आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्राइडेंट के रिजल्ट्स का डिस्कशन कर लेते हैं जो कि कल आने वाले हैं। तो हम देखेंगे इनके रिजल्ट से हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और चार्ट के माध्यम से भी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार उसे जरूर ज्वाइन करके देखिएगा। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा। ट्राइडेंट की मैं बात करूं दोस्तों, तो 30 मई को रिजल्ट्स आएंगे, जनरल बॉडी मीटिंग भी है और साथ ही इशू ऑफ वारंट्स पे भी एकदम पूरी क्लैरिटी देंगे, तो ये भी एक काफी बड़ा फैक्टर हो सकता है कल के इनके रिजल्ट्स में। ओवरऑल दोस्तों, अगर मैं ट्राइडेंट का थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करूं तो इनकी ग्रोथ रेट जो अर्निंग्स की हुई है और इन्होंने जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिए है वो थोड़ा सा मिसमैच है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप दोस्तों, देखेंगे इन्होंने 25% के हिसाब से इनकी अर्निंग्स में ग्रोथ हुआ है और ईपीएस इनका 89% एवरेज एनुअल इंक्रीज इनकी शेयर प्राइस में हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है, बट लोग जो लॉन्ग टर्म है वो मान के चल रहे हैं कि ये ग्रोथ कंटिन्यूड रहेगी, तो वो ठीक है। वो अभी हम देखेंगे कि इनके रिजल्ट से हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। बाकी कुछ दिनों पहले दोस्तों एक आर्टिकल निकला था, इसके हिसाब से आप इसको 57 तक के अपसाइड के लिए एम करके चल सकते हैं। ओवरऑल मैं ट्राइडेंट की दोस्तों अगर फंडामेंटल एनालिसिस करूं, आरओसी आरओई ठीक ठाक है, पीई थोड़ा सा हाई है, 30.8 है, बुक वैल्यू से स्टॉक काफी हाई है। ओवरऑल दोस्तों अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपनी डेप्थ को थोड़ा सा रिड्यूस किया है और डिविडेंड कंपनी ठीक ठाक दे रही है। पीई देखिए इसका 30 है, रेमंड वेल स्पेन इन सबसे काफी ज्यादा है, गो फैशन का तो बहुत ज्यादा है, इस स्टॉक में किसी भी दिन पिटाई चालू हो सकती है। ओवरऑल दोस्तों आप अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे मोर और लेस यहाँ पे कोविड के टाइम रहा था, उसके बाद एक स्टॉक कंटिन्यूअसली एक लीनियर ग्रोथ दिखा रहा है और लास्ट क्वार्टर में 1958 करोड़ की इन्होंने अर्निंग की थी, मार्च 2021 में 1350, तो अब की बार इनको 1950 और 1350 दोनों से ऊपर करना है, तो 2200-2300 करोड़ की अगर ये सेल्स दिखाए तो कुछ मजा आएगा और यहाँ पे भी इन्हें करीब 450 के आसपास दिखानी पड़ेगी अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों लास्ट क्वार्टर के यहाँ पे 209 है, तो फिर इसके पहले 229 थी, तो यहाँ पे इन्हें 220-230 तक अगर दिखाए तो उनके रिजल्ट फिर मुझे डिसेंट लगेंगे, अकॉर्डिंगली आप प्लान आउट कर सकते हैं। ओवरऑल देखेंगे दोस्तों तो सेल्स इनकी काफी बड़ी है, पिछले 2-3 सालों में अच्छे रिजल्ट कंपनी लगातार पोस्ट कर रही है और नेट प्रॉफिट देखिए डबल से भी ज्यादा की उम्मीद है, तो काफी अच्छे रिजल्ट की मैं पर्सनली उम्मीद करके चल रहा हूँ, वरना अगर क्योंकि अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो स्टॉक वापस आकर आराम से 35 लेवल तक आ सकता है। इसीलिए दोस्तों आप 43 रुपीज का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा और 48 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा, जहां पे कि हमें फिर पहला टारगेट 52 और फिर 56 तक लेके हम चल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, धन्यवाद दोस्तों।